पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस बेल आइकन को दबाने में भी बिल्कुल ना शर्माएं, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं उज्जवल सक्सेना और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महिंद्रा की रिसेंटली लॉन्च स्कॉर्पियो के S9 वेरिएंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल, 7 वर्टिकल स्लैट्स मिल जाएंगी, तो डिजाइन में कोई चेंज नहीं है। बस आपको यहाँ पर 7 वर्टिकल स्लैट्स जो मिलती हैं उनके अराउंड सिल्वर पेंटेड आपको जो इंसर्ट्स मिल जाएंगे, और ये बीच में महिंद्रा का बैज और हेक्सागोनल मैचिंग मिल जाएगी आपको फ्रंट ग्रिल में। हेडलैम्प्स के बारे में बात करें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे और इसमें हमें LED DRS भी मिलती हैं, सेम आईब्रो शेप की जो टॉप एंड वेरिएंट S11 में आती हैं वो आपको S9 में भी दी जाएंगी। फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर और लीड मी टू व्हीकल का भी फीचर मिलता है आपको। फॉग लैंप्स आपको सर्कुलर शेप के मिल जाएंगे और सिल्वर पेंटेड हाउसिंग मिल जाएगी फॉग लैंप्स के अराउंड। यहाँ पर आप ड्यूअल टोन फिनिशिंग देख सकते हैं सिल्वर एंड ब्लैक कलर की। बोनेट में स्कूप मिल जाएगा बेटर एयर फ्लो के लिए इंजन में, और ये आप देख सकते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल, सिल्वर पेंटेड स्किड प्लेट्स मिल जाएंगी आपको फ्रंट बम्पर में। प्रेजेंटली आप देख रहे हैं व्हाइट कलर और इसके साथ साथ स्कॉर्पियो हमें ब्लैक, रेड और सिल्वर कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। अब डायमेंशंस के बारे में बात करूं तो इसमें टोटल लेंथ है स्कॉर्पियो की 4456 mm, 1995 mm की इसकी हाइट है और 1820 mm की विड्थ है कार की। तो ये आप देख सकते हैं ये है कार की साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात करें व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल स्टील व्हील्स मिल जाएंगे। तो फ्रंट व्हील में आप देख सकते हैं 17 इंचेस के आपको स्टील व्हील मिलेंगे और सिल्वर कलर का आपको व्हील कवर्स मिल जाएंगे। ब्रेक्स एंड सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कैलिपर टाइप वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे और डबल विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम मिलेगा इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग के साथ। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट व्हील, व्हील कवर्स मिल जाते हैं आपको। साइड प्रोफाइल में आप बात कर लेते हैं ORVMs के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं बॉडी कलर के ORVMs मिल जाएंगे, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे आपको ORVMs पे। यहाँ पर भी ड्यूअल टोन फिनिशिंग मिल जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ORVMs। ORVMs के बाद आप बात करें डोर हैंडल्स के बारे में, तो ये भी आपको बॉडी कलर मिल जाएंगे और S9 वेरिएंट पे आपको सेंटर लॉकिंग मिलती है। कार की साइड प्रोफाइल को माइनर स्क्रैचेस वगैरह से बचाने के लिए साइड क्लैडिंग भी दी गई है आपको S9 वेरिएंट में, जो बॉडी कलर की साइड क्लैडिंग मिलेगी। और यहाँ पर जो है साइड स्टेपर भी मिल जाएगा आपको S9 वेरिएंट में, जो आपकी हेल्प करता है जब आप कार के अंदर बैठते हैं। तो रियर डोर में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो का बैज। तो अब बात करें रियर व्हील के बारे में, तो यहाँ पर ब्रेक्स के बारे में बात करूँ तो ड्रम टाइप ब्रेक्स मिल जाएंगे, और सस्पेंशन की बात करें तो मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम मिलेगा एंटी रोल बार के साथ। S9 वेरिएंट को S11 वेरिएंट से नीचे प्लेस किया गया है। और प्राइस के बारे में बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस है 13.99 lakhs। ये आप देख सकते हैं कार की साइड प्रोफाइल, ब्लैक्ड आउट बी और सी पिलर मिलेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कॉर्पियो की एक्सेसरीज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्कॉर्पियो के एक्सेसरीज के ऊपर वीडियो बना सकूं। ये तो बात हुई साइड प्रोफाइल के बारे में, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कार की रियर प्रोफाइल, और राइट साइड में आपको स्कॉर्पियो का बैज मिल जाएगा S9 वेरिएंट का। ये आप देख सकते हैं S9 वेरिएंट है, जो S11 वेरिएंट के नीचे प्लेस किया गया है इसे। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेल लैंप्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं टेल लैंप्स। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, पैनिक ब्रेक इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप जोर से ब्रेक्स मारते हैं तो आपके पार्किंग लाइट्स जो है ऑन हो जाएंगी। सिल्वर पेंटेड आपको बूट गेट पे नंबर प्लेट एप्लीक मिल जाएगी, और रियर विंडशील्ड में वाइपर, वॉशर और डीमिस्टर मिलता है। ये आप देख सकते हैं रियर विंडशील्ड, तो ये आप देख सकते हैं सिल्वर पेंटेड आपको बूट नंबर प्लेट एप्लीक मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस के लिए आपको S9 वेरिएंट में कैमरा तो नहीं मिलता, मगर इसमें आपको सेंसर्स दिए गए हैं, कैमरा नहीं मिलता, कैमरा सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा, मगर आप एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हैं। चलिए अब आपको बूट गेट ओपन करके दिखाते हैं। तो स्कॉर्पियो में आपको 7 और 8 सीटर ऑप्शन मिलता है, तो प्रेजेंटली आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं कहूँगा कि सर आपको जो खोल के दिखाएं सीट्स, जब तक सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS, पैनिक ब्रेक इंडिकेटर्स, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम, एंटी थेफ्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट,
स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर और माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है S9 वेरिएंट में। तो आप देख सकते हैं सर ने दोनों ही सीट्स ओपन कर दी हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। डुअल टोन फैब्रिक सीट अपॉस्ट्री मिलती है आपको। तो चलिए बूट गेट को बंद कर लेते हैं और मैं अब आपको दिखाता हूं ड्राइवर साइड डोर ओपन करके। S9 वेरिएंट में सेंटर लॉकिंग मिलेगी आपको, तो आप की से ही कार को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का लुक आएगा फ्रंट कैबिन का जैसे ही आप ड्राइवर साइड डोर ओपन करेंगे। और ड्राइवर साइड डोर कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां पर भी आपको इंसर्ट्स मिल जाएंगे और फैब्रिक ट्रिम इंसर्ट्स मिल जाएंगे आपको डोर आर्मरेस्ट के ऊपर। ब्लैक कलर फिनिशिंग में मिल जाएगा डोर ओपनर और पावर विंडो के कंट्रोल्स। चारों पावर विंडोज मिलती हैं जिसमें ड्राइवर साइड एंटी पिंच और ऑटो अप फीचर के साथ मिलेगी। नीचे आपको डोर पॉकेट्स मिल जाएंगी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, बॉटल होल्डर नहीं मिलता आपको। तो ये आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड डोर। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैबिन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइवर साइड एसी वेंट्स। नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये है ORVM के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs है, हेडलाइट लेवलिंग और साइड में आपको मिल जाएगा फ्यूल लिड ओपनर और रियर डीमिस्टर के कंट्रोल्स। और नीचे स्कॉर्पियो S9 वेरिएंट जो है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में आई है। तो नीचे आप देख सकते हैं तीन पैडल्स मिल जाएंगे आपको और साइड में हमें डेड पैडल भी मिलता है। तो ड्राइवर साइड सीट के बारे में बात करें तो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिलेगी आपको और ड्यूअल टोन फैब्रिक सीट अपॉस्ट्री है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड सीट्स। तो चलिए अब अंदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं आपको की दिखाता हूं। तो ये है स्कॉर्पियो की जिसमें आपको कार को लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी होम हेडलाइट के कंट्रोल बटन मिल जाएंगे। तो ये तो बात हुई की। और ये आप देख सकते हैं सर्कुलर शेप का आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलता है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ, ड्यूअल एयरबैग्स मिलती हैं आपको, सिल्वर कलर फिनिशिंग में इंसर्ट्स मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप डाउन, कॉल कट रिसीव म्यूट और सोर्स के बटन्स मिल जाएंगे और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है S9 वेरिएंट में। ये आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे आपको स्टीयरिंग व्हील पे। चलिए अब मैं आपको की को एक बार ओपन करके दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर और मिडल में मिलती है MID स्क्रीन जो डिस्प्ले करेगी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस रिमाइंडर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और ऊपर कुछ वार्निंग साइन इंडिकेशंस मिल जाएंगे आपको। दो ट्रिप मीटर भी शो करेगी MID स्क्रीन। और कुछ इस तरह का लुक आएगा फ्रंट डैशबोर्ड का ड्राइवर सीट से। और ये आप देख सकते हैं ये है AC वेंट सेंटर कंसोल में। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है 15 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, CD, DVD, USB, AUX, GPS नेविगेशन 10 लैंग्वेजेस में और वॉइस कमांड से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को। नीचे आपको मिलता है फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट S9 वेरिएंट में। और यहां पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा फ्रंट कैबिन में और साइड में कुछ स्पेसिंग मिल जाएगी जहां पर आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, मोबाइल या टैबलेट चार्ज करते टाइम। और स्कॉर्पियो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं गियर लीवर। यहां पर आपको नीचे मिलते हैं USB और AUX के पोर्ट्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे। और ये आप देख सकते हैं गियर लीवर, 6 स्पीड मैनुअल गियर लीवर है ये
और पीछे आपको रबर पैडिंग मिल जाएगी और दो कप होल्डर्स के लिए स्पेस, और हैंड ब्रेक्स आप देख सकते हैं। स्कॉर्पियो में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है जो ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक जैम में 15 सेकंड्स तक अगर आपकी कार आइडल है तो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए और फ्यूल सेविंग के लिए इंजन को ऑफ कर देगी, और जैसे ही आप एक्सेलेरेटर या क्लच पैडल प्रेस करेंगे इंजन अपने आप ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर सनग्लास होल्डर मिलता है S9 वेरिएंट में। तो चलिए अब मैं आपको फ्रंट कैबिन से निकलकर रियर पैसेंजर कैबिन दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं रियर पैसेंजर साइड डोर, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर फिनिशिंग में मिल जाएंगे ग्रैब हैंडल्स, ब्लैक कलर फिनिशिंग में डोर ओपनर और पावर विंडो के कंट्रोल्स। यहाँ पर भी फैब्रिक ट्रिम इंसर्ट्स मिल जाते हैं आपको, और बॉटल होल्डर पैसेंजर्स के लिए मिलता है आपको। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए तो कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, और रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे और दो कप होल्डर्स के लिए स्पेस मिलती है आपको, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा रियर पैसेंजर्स के लिए। और कुछ इस तरह का लुक आएगा फ्रंट डैशबोर्ड का रियर पैसेंजर कैबिन से। तो चलिए मैं आपको बोनट ओपन करके दिखाता हूँ स्कॉर्पियो का इंजन। तो ये आप देख सकते हैं ये सेकेंड रो पैसेंजर कैबिन, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। चलिए अब मैं आपको इंजन खोल के दिखाता हूँ। तो इंजन को एक्सेस करने के लिए ड्राइवर साइड डोर के नीचे लीवर मिल जाता है। तो स्कॉर्पियो में मैं हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनट मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं एमहॉक 4 सिलेंडर डीजल इंजन CRDI टेक्नोलॉजी के साथ, और टर्बोचार्जर और इंटरकूलर भी मिलेंगे आपको। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलता है, और BS4 कंपेटेबल फ्यूल इंजन है जो 140 BHP की पावर देगा 3750 RPM पे, और 320 Nm का पीक टॉर्क देगा 1500 से 2800 RPM पे। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और शोरूम का एड्रेस मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ, बाइक चलाते समय हेलमेट और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।